नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का सवाल है क्वेश्चन से इज अ पार्टिकल विद टोटल एनर्जी ई इज मूविंग इन अ पोटेंशियल एनर्जी रीजन यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मोशन ऑफ द पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड टू द रीजन वेयर यू एक्स इज लेस देन ई यू एक्स इक्वल टू जीरो या यू एक्स लेस देन इक्वल टू ई या फिर यू एक्स ग्रेटर देन जीरो नाउ बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है जिन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं सिर्फ और सिर्फ वही इसको समझ सकते हैं वही इसको एग्जाम हॉल में अटैम्प्ट कर सकते हैं इस तरह के सवालों को सवाल समझिएगा हमें दिया है कि एक पार्टिकल है जिसकी टोटल एनर्जी जो है वो ई e दे रखी है हमें कहा है कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यू जो कि एक्स का फंक्शन है उसके ऊपर हमें कमेंट करना है कि यू और ई e के बीच में क्या रिलेशन होएगा ना टोटल एनर्जी हमें पता है कि उसको हम लिख सकते हैं विल बी इक्वल टू कानेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी अपने को ई e दी है uh, इसको अगर हम इधर ले आए माइनस यू एक्स विल बी इक्वल टू कानेटिक एनर्जी नाउ हम जब अपने सिलेबस में बात करते हैं हम हमेशा कहते हैं कि कानेटिक एनर्जी की वैल्यू हमेशा ये जो कानेटिक एनर्जी है इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर uh, देन या इक्वल टू ज़ीरो होगी तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए कान्टिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होएगी इसका मतलब ये हुआ कि e माइनस यू एज अ फंक्शन ऑफ़ x विल ऑलवेज भी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो यानी कि आ, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें इसको उधर लेके जाएं, तो हम कहेंगे यू एक्स विल ऑलवेज़ भी लेस दैन ईक्वल टू ई सो हमेशा जो आपका पोटेंशियल एनर्जी जो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स अगर हम लिख रहे हैं वो हमेशा टोटल एनर्जी से उसकी वैल्यू कम होएगी या फिर इक्वल टू ज़ीरो हो सकती है अगर कानीटी इक्वल हो सकती है या फिर Uh, उस केस में जब आपकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर